हमारे पेड़ पे बहुत सारे। देखो ऐसे ये है पहाड़ों का काम। काम बहुत टफ है, कितनी दूर से ला रहे हैं हम। और अभी ऊपर जाना है, ऊपर दिख रहा है आपको। भूल गई, आज है टीचर्स डे, तो सभी टीचर्सों के लिए हैप्पी टीचर्स डे मेरी तरफ से। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग सबको, मेरा प्रणाम। तो कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे। आजकल असूस का महीना है, असूस के महीने में हमें अपने कामों में व्यस्त है, चलते चाल में वीडियो बनाने पड़ रहा है यहाँ। और आज जा रहे हैं हम वहाँ नीचे जहाँ मैंने आपको बताया था, आज हम झंगोरे की बालियाँ काटने जा रहे हैं। आज हम उसको लगाने जा रहे हैं वहाँ। तो मोटू के साथ उनका एक फ्रेंड और आ रहा है, पता नहीं कहाँ है, अभी तक नहीं आए, तो अब आएंगे वो। तो आप ये देखो कितना खूबसूरत लग रहा है हमारा गाँव, यानी कि मेरा ससुराल। पहली से ऐठी गांव से हूँ मैं, मेरा ससुराल है ये। मायका मेरा पैठानी साइड है, पल्ली। तो मिलते हैं आपको नीचे में, तब तक के लिए नज़ारे लीजिए, कितने प्यारे लग रहे हैं। चारों तरफ हरियाली हरियाली है, ये देखिए। अभी तो रास्ते में लोग बहुत सारे मिलेंगे, अभी देखते जाओ आप, आगे वीडियो में बने रहो आप सभी लोग। हम एक ही गांव से हैं और एक ही वीडियो बनाते हैं, मतलब काम काज सब बताते हैं। तो ये है अपना, हो भी बता दो भैया। मेरा तो दगड़ो में भी यूट्यूब चैनल बनानो, तो मेरा तो गढ़वाली भाषा में रहनो और गढ़वाली ब्लॉग बनानो। तो मेरा यूट्यूब चैनल का नाम रणवीर रावत है, कि जो कि मेरा स्वामी जी नाम से। तो आप लोग जरूर साझ मारे और देखा, मेरा चैनल भी देखा और इनार भी देखा। मेरा वीडियो में मतलब इन तो सब्सक्राइब और लाइक कमेंट करे और इनार ब्लॉग में मित है करे वो। तो दगड़ो बाकी हमारा सपोर्ट करना, साथ देना। और हम एक ही गाँव बढ़ी, हम इसलिए नहीं बनाते हैं वीडियो कि मतलब हमें वो पैसे मिले, हम सिर्फ इसलिए बनाते हैं कल की डेट में हम इन चीज़ों को याद करें कि हम भी कभी ऐसे करते थे, ऐसे थे। मज़ा आता है हमें, पहले के वीडियो में मतलब बहुत मज़ा आता है देखने में, तो ऐसा ही होता है। बाद में देखेंगे तो हमें बहुत मज़ा आएगा कि हमारी लाइफ में कभी ऐसा हुआ था। तो इसलिए हमें जरूर सपोर्ट करें, हर काम के साथ साथ मतलब आप इंजॉय करना भी जरूरी है ना। तो हमें इंजॉय का हिसाब दोनों उनकी टकरार हो गई। आज हम तो देवरानी जेठानी ये किसान मर जाना चाहिए, घास न लगाना पड़ी। तो बात तो ये एक ही जगह जा रहे हैं और एक ही गाँव से हैं, अलग अलग खोल से है। मैं परखने से हूँ और ये डनकोली से है, डनकोली से हूँ मैं। तो आज मेरे साथ इन्होंने भी आज हिंदी में बोल दिया है। बाकी तो मैं हिंदी कुछ नहीं बोलूँ, मैं तो बात एक हिंदी। तो मिलते हैं आपको नीचे में, ये घास काटेंगे वहीं पे दिखाएंगे हम इनको भी। आज तो मजा आने वाला है। और मेरे की जान है कि पहचान से बस मैं आप गढ़वाली बोल भाषा में आप एक जान और एक पहचान बना सकूँ कि लेकिन हमारा काम गढ़वाली, काज गढ़वाली, बोली गढ़वाली, भाषा गढ़वाली, हम गढ़वाली, ताकि हमें भी लोग जान सके हमारे गढ़वाल में ऐसा क्या हो सकूँ। और आप गढ़वाली बोल भाषा में एक पहचान बनाना चाहना जरूरी नहीं है कि हिंदी में भी लोग बनाओ, एकदम फुर्र उठ के आगे बैठ जाओ लो। कोई नहीं टाइम लगा लो, पर जरूर एक न एक दिन कामयाब जरूर हो लो। तो चला जाओ, आपका सपोर्ट चाहिए बस इसमें कि हम कामयाब हो। अच्छा जी, चला पंगड़ में शरण। तो ये अभी आ नहीं रहे, ये नीचे से हमारा वीडियो बना रहे हैं, पता नहीं कहाँ से लाएंगे। यहाँ पे कक्षा सर जी ककड़ी चोर दतड़ी का तर कराना। अब यहाँ से यहाँ तक पूरे सारेंगे हमारे कक्षा सर जी, जवान है। वहाँ से सूखा हुआ है और वहाँ तक। अरे अभी एक नीचे भी है भाई। देखते ये हालत खराब तो नहीं। हमारे कैक्टस उठाते हुए पशुओं काम करते हुए नीचे वाली खेत में चले गए थे। अब इनकी बारी। अबे मोटू परेशान कैसे उठाएंगे बोल इसको। दिमाग खराब नहीं करा क्या गया ये तमाम मिला सर। पागल तो नहीं हो आप। भारी के हल्का इतना इधर फरकते मस्त लगा तो अरे साजी से गुटे हेलो करा नहीं इनके तुम भी दिख जा लग करे यार तुम यार बाहर नहीं उठा सकना तुम बोला थी। अब मैं भी ले जा रही हूँ। अभी तक मैंने ओनली उनके लिए लगाया है। अब मैं भी ले जा रही और इस खीरा खाने आ जाओ। खीरा खाने वाले बैठ गए हैं अब। यहाँ से पकड़ो ना झड़ से पकड़ो फालतू ना झड़ से वो नहीं होता बैठ पड़ना नहीं पड़ना पकड़ो मुड़ पड़ो। तो दोस्तों जितना थकान इनको लगे उतनी उससे ज़्यादा मेरे को लगी क्योंकि मैंने इनको ले लगाया। एक आ रहा है एक जा रहा है क्योंकि एक ही चक्कर लाए। हाँ एक ही चक्कर मिलो बड़ो काम छो इतनी कम ची क्या करने लगे वो थोड़ा। अब हम खीरा खाएंगे अलग वाल उन तो वीडियो में नहीं बताया उन पतला होना चाहिए साफ हो गया उन्हें नहीं चोकला बोल। दोस्तों अब है इस खेत की बारी। ये दीदी को हम खीरा देने जा रहे हैं। लूना यार यहाँ पे नमक नहीं लगा रहे दीदी बोले नमक लगा के दो वाल। नमक तो होना चाहिए भाई। ये आपके लिए मन को आज खाना पर खा दे पहले तुम मीन बोला तुमसे तक कटना किनके साथ मेरे तो पाप है बेचा हुआ चिकाना अच्छा पाप मिलो वो नहीं बोने तो इनका और हमारा खेत सामने ही है। ये हमारा ये इनका है ये दीदी जी का है तो इसीलिए आज हमारा भरत मिला हुआ। वही तो सिर्फ बिजली पोल में छिपा नहीं यार ऐसा काम नहीं करना। तो चलो दोस्तों अब इसको लगे ले जाते हैं हम गांधी जी के दो मंदिर उधर है ऊपर। ये देखिए दोस्तों ऐसे लगाते हैं हमारे यहाँ। अब इसको ऐसे खड़ा करना है। तो फाइनली दोस्तों हमारे ये वाला खेत भी साफ देखा वो ले जा रहे हैं अभी। तो ये वाला भी साफ हो गया घास छोटा है इसमें बस घास के लिए किसी दिन आएंगे हम। ये है ये मैं ले जाऊंगी आप। तो दोस्तों हमने सारा खेतों का फाइनल कर दिया है। ओनली ये बचा है ये वाला क्योंकि उनका हाथ दर्द कर रहा था इसलिए वो नहीं आ पाए। तो मैंने कहा मैं खुद ही ले लूँगी। तो अब वो पेड़ में लगाएंगे। अब मैं इसके बाद घास काटूँगी फिर चले जाएंगे। ऐसे ये है पहाड़ों का काम। तो फाइनली हमने चुका थे सारे आलाप। मोटू जी काम जो आप ये को हम ताकतवर इंसान लिंगो काक सर जी जो कि पूरा थोड़ा उठा के दे देना मत कम लगाना है पर ज्यादा नहीं लगे। हाँ 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 तो बोल दिया कम लगा मिल वाले पर। हाँ जाने लगा लट करो योगता मैं तो बोलो सिद्ध गाजे लगा तब फाइनली दोस्तों इतना लगा दिया इन्होंने। अभी लगाए कहाँ है ये देखो और बढ़ते जा रहा हूँ। हमारे काके ससुर जी परेशान हो चुके हैं यहाँ पे। तो ये कबड्डी में बहुत ही भयंकर और भौंकती तेज आदमी है। मैंने इनकी रील देखी थी कबड्डी का तब से मैं अक्सर फैन है गो कबड्डी फैन। मेरे को मैं छोटी हूँ देसी जुगाड़ सरो देसी जुगाड़ का स्टैंड में फेल कर दिया ने। हाँ मोटू जी कहाँ से कहाँ चढ़ गए। और यहाँ पर दिख रहा है ना ना आप बात खान। तो गाइस फाइनली लगा लिया हमने रात से खिलाड़ी को बाय बाय बाय। अब खाली जब भी आएंगे इस घास को लेने आएंगे बस। आगे चलते हैं ऊपर करते हैं। थका लग गया थोड़ा कैसा सोची तो दिन तो आप पता है। तो दोस्तों हम पहुंच गए यहाँ पे आधे रास्ते में। मोटू जी भी चले गए और मेरे ससुर जी भी चले गए। थकान लग गई बहुत। ये काम बहुत टफ है। कितनी दूर से ला रहे हैं हम और अभी ऊपर जाना है। ऊपर दिख रहा है आपको पता ही वहाँ जाना है। वहाँ से फिर गांव में जाना है। कंडीशन खराब। यहाँ देखिए आप कितना सुंदर लग रहा है। यहाँ आहा जन्नत होगा जैसे। फाइनली दोस्तों हम वहाँ पर पहुँच चुके हैं जाके जहाँ पर मैंने ब्लॉग की स्टार्टिंग की थी यानी कि ऊपर टैया में। तो देखो अभी मैंने वो उधर जाना है। ये है गाँव का नज़ारा। थकान बहुत लग रही है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने बिछा दिया है और यहाँ पर पानी पीऊँगी। मैं एक फूल तोड़ के ला दूँ इनके यहाँ से। ये देखो कितने प्यारे। अच्छा मेरी सासू जी बैलों के साथ जा रही है। कैमरा ड्रोन को बोल तो यार गो मैं कुमारी बल्ला क्यों ढूंढे बोल तो ड्रोन वाले बल डरे वाला। ये बैकरी हमारी घास खा रही है। चल 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 अब गुस्सा आने कर जा। अब गुस्सा आने कर जा। देखो ये अंदर जा रहा है यार। चल 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 चल। बोलो देख रहा ड्यूट है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे एक कद्दू लगा है हमारा, कद्दू जिसको खाना हो तो ले जाओ बेझिझक तोड़ के। दोस्तों चिड़ियों ने हमारी मुँह करना आ गए, देखो पूरी खेत हमारी रही है। ये अंगरोट का पेड़ है। को देंगे इसो इसो खुश हो गया। तो फाइनली दोस्तों हम घर पहुंच चुके थे दिन में, और मैं वीडियो बनाने की फोन नहीं आया, थकान लगी थी भयंकर वाली। तो शाम हो चुकी है, तो शाम का मौसम देखिए, बारिश हो रही थी अभी थोड़ी देर पहले, अभी देखिए देखिए तो दोस्तों अभी तक भी बारिश बंद नहीं हुई है। अब जा रहे हैं हम उधर वाली खेत में जो मैंने कल बताई थी आपको। और एक चीज़ बताऊँ आपको, हमारे पेड़ पे बहुत सारे देखो बारिश होने के बाद कितना प्यारा लग रहा है ना। यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे जज करना ज़रा कि क्या बना हुआ है। ये मेरे हाथ के इस पे मम्मी देखो ये भी बोल पड़ा। तो दोस्तों ईशान के मुंह पर देखो एक बाल टूटा हुआ है, ये वाला ईशान निकाल दे देख ये वाला कितना ले। हाथ में उड़ा इसको, उड़ा कुछ मांग फूक मार जोर से ना, इंगो कर अपनी विश मांग। हेलो दोस्तों, तो फाइनली दोस्तों आज का काम कंप्लीट हो चुका है, आज का दिनचर्या मतलब कंप्लीट हो चुका है, और नेक्स्ट दिन का इंतज़ार कर रहे हैं हम अगला दिन का। तो अब हमारा खाना पीना भी हो ही चुका है रात का, और ये भैंस के लिए रखा है अभी चारा, इसको बाहर पे रखूँगी मैं भी। और टोजो महाराज जी भी नहीं गया हमारा, ये इसका नाम टोजो है। मैंने रखा इसका नाम टोजो, तो इसका नाम मैंने टोजो रखा। तो बताना ब्लॉग में आपको इसका नाम कैसा लगा, टोजो नाम। तो मैं डॉग दीवानी हूँ, मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं। तो आज का ये ब्लॉग आपको पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, एंड जो नए हो तो वो सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में, तब आपको उम्मीद करती हूँ कि आपको ये ब्लॉग पसंद आए, और आपको पसंद आएगा तभी हम आगे वो बना पाएंगे कि हाँ लोगों को पसंद आ रहा है, और हम मतलब हमें लोग पसंद कर रहे हैं, तभी मतलब मेरा हौसला बढ़ेगा कि मैं मतलब अच्छा बना रही हूँ, और मतलब अच्छा बनाने की कोशिश करूँगी मैं। और मेरे से जो भी गलती हो उससे मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ, दिल से मुझे माफ़ करना। तब तक के लिए बाय बाय।